हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सिमरन चावला ब्लॉग। हम फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। और आज ना ऑनेस्टली आज हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हम लोग जाए कहाँ, क्योंकि आपको कैफेज़ के रिकमेंडेशन देते देते ना हम लोग मतलब अब ऐसा हो चुका है कि आप हमें रिकमेंडेशन दो। तो आज बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि कैफेज़ हैं बहुत सारे बट जाए कहाँ वो समझ नहीं आता। तो आज हम फाइनली जहाँ पर लैंड हुए हैं वो है अंसल प्लाज़ा, क्योंकि हमें लगा हमने अंसल प्लाज़ा का एक भी कैफ़े कवर नहीं किया। तो यहाँ पर जिस कैफ़े में हम आए हैं वो 4 years old है बट इट्स वेरी नाइस। तो जिस कैफ़े की मैं बात कर रही हूँ वो है TMO अंसल प्लाज़ा। और आपको पता होगा TMO का मतलब होता है आई लव यू, जिसका मतलब होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक कैफ़े है। तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर दो। ज़्यादा पीसफुल सी वाइब है, आपने देखा अभी आउटडोर भी है यहाँ पे, इंडोर भी है। तो अगर मैं आपको इंडोर का बताऊँ तो इंडोर काफ़ी रोमांटिक वाइब आपको देता है, कलरफुल सा बना हुआ है इंडोर जो है। और अगर आप आउटडोर देखेंगे तो आउटडोर आपको नेचर से कनेक्ट करता है। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो पीछे गार्डन है और ये सीटिंग भी मिल जाती है आपको, जिससे आप गार्डन व्यू इन्जॉय कर सकते हो। बर्ड्स चॉपिंग है यहाँ पर और बाहर की साइड म्यूज़िक थोड़ा सा लो है, तो मतलब एकदम नेचर कनेक्टेड और पीसफुल। अगर आपको कोई जगह आना है अपने बेटर हाफ के साथ टाइम स्पेंड करने, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, तो अंसल प्लाज़ा में आई फील TMO इज़ द बेस्ट कैफ़े फॉर यू। अब हम फूड की बात कर लेते हैं। तो फूड में हमने सबसे पहले यहाँ पर ट्राई किया था चिली पोटैटो, क्योंकि हमने सब बोल रहे थे कि आप पिज़्ज़ा पास्ता खाते हो, तो इस बार हमने कहा कि चलो पास्ता नहीं लेते, पास्ता की जगह कुछ और ट्राई करते हैं। तो हमने चिली पोटैटो ट्राई करे। चिली पोटैटो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी थे और मतलब हनी चिली पोटैटो थे, तो हनी का भी फ्लेवर आ रहा था बट बहुत ज़्यादा ऐसे मीठा मीठा नहीं था, नॉर्मिनल सा मीठा था जितना होना चाहिए। और मिंट सॉस के साथ वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो इन शॉर्ट मतलब क्वांटिटी भी उसकी अच्छी थी, तो मतलब जैसे आपको अगर कोई पेट भरने वाली चीज़ चाहिए तो यू कैन हैव चिली पोटैटोज। एंड नेक्स्ट वी ट्राइड पिज्ज़ा। पिज्ज़ा इस बार हमने गार्डन फ्रेश पिज्ज़ा या जो वेजीज वाला पिज्ज़ा होता है वो नहीं लिया था, इस बार हमने पनीर टिक्का पिज्ज़ा लिया था, क्योंकि हमारा ना कुछ ऐसे नॉर्थ इंडियनिश टच में खाने का मन था, जो कि एक्चुअली वैसा सा ही हमें फ्लेवर दे रहा था। उसमें ना बेसिकली पनीर टिक्का सिंस तंदूरी होता है तो काफ़ी ऐसे तंदूरी नॉर्थ इंडियनिश सा फ्लेवर आ रहा था। काफ़ी स्पाइसी था क्योंकि हमने एक्चुअली इनको बोला था हमारा स्पाइसी खाने का मन है, तो इन्होंने ग्रीन चिलीज वगैरह भी थी उसके अंदर, अनियंस थे, कैप्सिकम, पनीर टिक्का, तो ओवरऑल पिज्ज़ा वॉज रियली नाइस। इस शाउट आउट टाइम, एंड दिस टाइम शाउट आउट जिसको जाता है वो है अदिति जैन, जो कि हमें बहुत पहले से फॉलो कर रही हैं। एंड अदिति जैन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आपका कमेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगा। नाउ वील वेट फॉर मोर सच कमेंट्स एंड वील गिव शाउट आउट्स इन ऑल आर वीडियोज, सो थैंक यू सो मच। अब हम जा रहे हैं अपने घर। और भी हम कैफेज काफ़ी सारे कवर कर चुके हैं। एलिया कैफे अभी हमने रिसेंटली कवर किया था जो बिल्कुल न्यू ओपन हुआ है, काफ़ी सुंदर सा कैफे बना हुआ है, वो चेकआउट कर लेना आपने अभी तक नहीं किया तो, ऊपर कार्ड से आपको लिंक मिल जाएगा। नाउ वी विल सी इन
द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ थम्स अप, और आपको ये कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना। बाय।